नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में पोटेंशियल दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि यहां से इजली स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से 20-30% तक के रिटर्न्स दे सकते हैं, जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेटअप होता है, यानी नियर अराउंड ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट से 5-6% के करेक्शन, फिर वहां से रिवर्स लेकर के ऑल टाइम हाई के आसपास के प्राइस को ब्रेकआउट करना, वही टेक्निकली ट्रेंड इन दो स्टॉक्स में दिख रहा है। हो सकता है मैं पूरी तरह गलत हूं, मेरे व्यूज बिल्कुल गलत हो जाएं, इसीलिए ये जो भी मैं बातें कह रहा हूं इसके बाद खुद से भी एक बार एनालाइज करेंगे, चार्ट को देखेंगे, फंडामेंटली समझेंगे, तभी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। पहला स्टॉक जो मुझे लगता है कि यहां से बेटर रिटर्न दे सकता है वो स्टॉक है CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी सिस्टम सर्विस, और ये आपको पता होगा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करता है। इस समय बाजार में 3-4% टोटल पॉपुलेशन के ही पार्टिसिपेट हैं, वो ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। अमेरिका के नंबर वही देखें तो 65% के आसपास का है, यानी पोटेंशियल जो निवेशक बाजार में है वो काफी बड़ा दिखता है, जिसको लेकर के CDSL जैसे स्टॉक जो है मल्टीबिलियन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से भी दिखता है। इस समय कंपनी 20,000 करोड़ के मार्केट कैप में ट्रेड कर रहा है। रिसेंट में BSE ने मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए और हमने देखा कि स्टॉक स्प्लिट भी हुआ, उसके बाद भी जो उसकी तेजी रही वो घोड़े के चाल में चलते दिखा। सेम तेजी में CDSL में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जो भी डिपॉजिट जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, उसके होल्डिंग्स वगैरह का काम CDSL के द्वारा किया जाता है। CDSL लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6-7% की तेजी रही थी, ठीक ठाक वॉल्यूम रहा था। एक बार इसके चार्ट को देखें, चार्ट को देखेंगे तो लगभग अक्टूबर से, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पिछले 7 मंथ से ये स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होते दिख रहा है। वो रेंज है बिटवीन 1700 to 2000, और फाइनली स्टॉक ने ऑल टाइम हाई के आसपास के लेवल को ब्रेकआउट करा और पोटेंशियली 2300 to 2500 तक के टारगेट इस स्टॉक में नेक्स्ट 1 to 3 मंथ के ड्यूरेशन में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस स्टॉक में वीकनेस तभी आएगी जब ये 1820 के नीचे की क्लोजिंग देता है, तो ये व्यूज बिल्कुल इनवैलिड हो जाएंगे, तो इस स्टॉक को रडार पे ले लें। दूसरा स्टॉक बिलोंग करता है रेलवे सेक्टर से, वो स्टॉक है IRCTC। IRCTC देखें तो 80,000 करोड़ के मार्केट कैप के रूप में काम कर रहा है, और IRCTC तो आपको पता ही होगा, अगर इसके बिजनेस डिविजन को देखें तो आई थिंक यू नो वेरी वेल कि IRCTC जो है वो पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में भी काम कर रहा है, और जितनी भी टिकट आप इंडियन रेलवे के अंदर कटाते हैं वो IRCTC के थ्रू ही होता है। साथ में कैटरिंग का बिजनेस है, 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और पोटेंशियली इस स्टॉक में भी ऑल टाइम हाई के आसपास का ब्रेकआउट दिखता है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक के वीकनेस 920 के नीचे के क्लोजिंग पर ही दिखेगा। जब तक ये स्टॉक 920 के नीचे की क्लोजिंग न दे तब तक बिल्कुल वीकनेस नहीं दिख सकता है। यहां से पोटेंशियली 1300 to 1500 तक के पोटेंशियल टारगेट दिख सकता है, वीकनेस 920 के नीचे ही दिखेगी, तो एक बार इस स्टॉक को भी आप अपने स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।